आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बची हुई चावल का बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त नाश्ता। शायद ही आपने बनाया होगा इस तरीके से, और साथ में बनाएंगे तीखे और चटपटे टमाटर और लहसुन की चटनी। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक गुप्ता क्रिएटिव रेसिपी। मैं हूँ कविता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लाल मिर्च लिया है 8 से 10, और लहसुन कलियाँ लिया है, 3 टमाटर लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। एक बड़े से भगोना लेंगे और इसे हम पानी डालेंगे और बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो जो हमने टमाटर और लहसुन लिया है सब इसी में एक साथ ही डाल लेते हैं। अब इसे मीडियम आंच पर 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, ताकि सॉफ्ट हो जाए और छीलने में आसानी पड़ेगी। तो टमाटर भी अच्छे से उबल गया है और आप देख सकते हैं इसका छिलका बाहर आने लगा है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। टमाटर ठंडा हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दिन का बचा हुआ चावल लिया है, और अभी शाम का समय हो रहा है, और जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाता है। तो इसमें डालने के लिए मैंने गेहूँ काटा लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन निकाल लेते हैं। अब इसे चम्मच की सहायता से या कलछी की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिए। बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है, इसको मैश करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, चावल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें बाकी का सामान डाल लेते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैं एक कटोरी गेहूँ काटा डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मसाले डाल लेते हैं। तो 1/4 हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, और 1/4 जीरा पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ है, थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके घोल तैयार करेंगे। ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल पकौड़ी की बैटर की तरह हमें बनाना है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। नाश्ते को फ्लफी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1/4 मीठा सोडा डाल दे रही हूँ, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चावल और आटे का मिश्रण बिल्कुल तैयार हो गया। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, और तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया। तो ये जो बैटर लिया है मैंने, नींबू के साइज का लिया है, और इतना ही बड़ा आपको भी डालना है। आप एक बार बना के तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आपको पसंद आएगा। अब सभी को पलट लेंगे और इसे सुनहरा होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। ये हमारा बचे हुए चावल का नाश्ता बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाकी का भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं। तो टमाटर और लहसुन को छीलकर मिक्सर जार में डाल लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और 1/4 चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा, और पीस लेंगे। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है, और ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। इसको देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अब इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, और चलिए परोस लेते हैं गर्मा गर्म पकौड़े के साथ। ये पकौड़ा बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला बन के तैयार हुआ है। अचानक मेहमान के आने पर भी बना के खिलाइए, बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि बच्चे हुए चावल का आपने बनाया है। और आप इसे स्ट्रीट फूड की तरह सर्व करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी के ऊपर ज़रूर ट्राई करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।